सुभाष जी, लेकिन आपको लगता है क्या ऐसी घटनाओं से न्यायपालिका के साख पर तो बट्टा लगता ही है और ये जो दाग है वो इतना जल्दी धुलेगा भी नहीं? देखिए, लोकतंत्र में जो भी प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा जो फोर्थ स्टेट कहा जाता है, मीडिया जी, सभी में जनता को विश्वास रहे ये जरूरी है। मोस्ट ट्रस्टवर्दी आपने कहा, मैं समझता हूँ सभी को मोस्ट ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। अगर कोई भी इनमें से ट्रस्टवर्दी नहीं रहता है, विश्वास का पात्र नहीं रहता है, तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जुडिशरी के बारे में हम लोग कहा करते थे कि लास्ट शीट एंकर ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल लोकतंत्र की अंतिम पतवार है। लेकिन अब लगता है कि ये पतवार भी टूट रही है, चरमरा रही है जी। तो ये सचमुच लोकतंत्र के लिए दुखद है। मैं समझता हूँ इस समस्या की जड़ में अगर कोई बात है तो वो एक ऐसा मुद्दा है जो एक अलग विषय है, वो है सुप्रीम कोर्ट की ओवर एक्टिविज्म या ओवर रीच। जी, हमारे संविधान के अंतर्गत संविधान सर्वोपरि है जी। लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सुप्रीम कोर्ट, संसद या सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में सुप्रीम है। लॉ मेकिंग के क्षेत्र में पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिल्कुल, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के क्षेत्र में, एडजुडिकेशन और डिस्प्यूट्स के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में कुल मिलाकर कोई भी सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इधर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जजमेंट देती रही है जो मेरे विनीत मत में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, लॉ मेकिंग का कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, और मैं समझता हूँ बहुत सारी समस्याएं उससे उत्पन्न हो रही हैं। जी बिल्कुल।